और अंतिम समय में उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बता देंगे कि दलितों का नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी हैं। ये हम जनता की सेवा में 45 वर्ष से कर आप चिराग पासवान के प्रोपेगेंडा में फंस के इतना गुस्सा है। गुस्सा इसलिए मोदी जी से कि जो आदमी हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जो ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ एनडीए में खड़ा थे उनको साथ छल किया गया है। धन बल का प्रयोग करके और हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को धोखा देने का काम किया है और हाजीपुर की जनता इस बार बता देगी कि आखिरकार में बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आप देख रहे हैं कि उनके समर्थक क्या। तो अभी मैं पशुपति कुमार पारस जी के घर पर हूं, भला है, लेकिन उनके लोग उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। देखिए उनके समर्थक शाम से ही बैठे हुए हैं, साथ खड़े हैं लोग कितने। मेरा हौसला एकदम बुलंद है, जनता हमारे साथ में है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में होता है और हाजीपुर की जनता की सेवा में 45 वर्ष से कर रहा हूँ। स्वर्गीय पासवान जी जब से सांसद बने 77 से लेकर के टिल 19 तक और अंतिम समय में उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना, अपने सामने में नामांकन कराया, चुनाव जिता के भेजा। तो हाजीपुर की जनता मेरे कार्यकलाप से परिचित है और मैं हाजीपुर की जनता, हाजीपुर हमारी माँ है और हाजीपुर की जनता का मुझको आशीर्वाद प्राप्त है और भविष्य में भी प्राप्त रहेगा। नहीं किया है, दगा हमारे साथ हुआ है और भरोसा जो हम लोगों ने किया उस भरोसा के को जिन लोगों ने तोड़ा है, जिन शक्तियों ने तोड़ा है, हम तमाम लोग पारस भाव की अगुवाई में उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरजमी पर अपने दल का अस्तित्व दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे और अपने नेता पारस भाव की क्षमता दिखाएंगे कि देखो आज भी जनता किसके साथ है। तो संकट के घड़ी में लड़ाई लड़ेंगे और विजय श्री का आशीर्वाद पहले से भी है और आज भी है और हाजीपुर की तमाम जनता, वो दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, जो भी लोग होंगे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बता देंगे कि दलितों का नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी हैं। ये हम लोग आगामी चुनाव में हम लोग भारी मतों से विजय बना के बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगी पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में कि दलित का कोई अगर नेता है तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ही हैं। सीटों पर लड़ेंगे हम लोग, पांचों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पांचों सीटों पर हम लोग विजय श्री का आशीर्वाद लेंगे। और जो फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ चिराग पासवान के साथ प्रधानमंत्री विश्वास करने का काम किया है वो निश्चित तौर से उनके लिए घातक होगा और दलित का नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं और रहेंगे, ये हम साबित करके बताएंगे। पशुपति पारस संकट में है फिर भी उनके समर्थक उनके साथ खड़े हैं और उनका हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे, पांचों सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और दिखा देंगे कि पारस का अपमान करना या पारस को धोखा देना कितना महंगा पड़ सकता है। कहना चाहेंगे कि मुद्दे लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और बीजेपी से सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये तो सबसे पहले आपके लिए शर्म की बात है कि ये मंत्री रहते हुए भी आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चले और ऐसा क्या हो गया जो आप इस नतीजे पर आ गए। दूसरी बात, हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता है। आप चिराग पासवान के प्रोपेगेंडा में फंस के और जो हम लोगों के मेहनत को, हमारे माननीय मंत्री जी के मेहनत को, इस उम्र में भी जो ये इंसान आज खड़े थे कदम में कदम मिलाकर इनके साथ जो छलने का काम किया है, ये आपको हाजीपुर की जनता, मैं भी हाजीपुर का ही रहने वाला हूँ, हाजीपुर की जनता आपको वोट के थ्रू आपको बताएगा कि असल में पारस जी क्या चीज़ थे और क्या नहीं। हम लोग पारस जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, है ना? आप बताइए। हम लोग मंत्री जी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। सोचे थे कि ऐसा धोखा होगा? ना, ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए कभी, उम्मीद नहीं था हम लोग कि बीजेपी ऐसे हम लोग के साथ करेगी। हम लोग पारस जी के साथ हैं, क्षेत्र के हम लोग जनता हैं। मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। क्या पारस जी को क्या कहना चाहेंगे कि आप संघर्ष में आगे बढ़िए? मैं आगे बढ़ें और इनकी विजय होगी निश्चित रूप से हम कह रहे हैं। अब रिजल्ट देखने पर आपको पता चल जाएगा कि को जीता।
बताइए क्या आपको कैसा लगता है, कितना बड़ा सम्मान? ये तो बहुत बड़ा ही धोखा है और आश्चर्य भी है। आश्चर्य इस मामले में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी NDA के सबसे मजबूत सहयोगी रही है और हम लोगों ने ये महसूस नहीं किया था कि हमारे नेता के साथ और हाजीपुर की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता के साथ है उनका, कि बड़े भाई ने भरोसा जताया और उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, हाजीपुर से जाकर खुद नामांकन कराया, चुनाव लड़वाया और जिताया, तो फिर से हाजीपुर में मैदान में नजर आएंगे पशुपति पारस।